हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यू आर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि आप लोगों का कट ऑफ कम जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और कम क्या, बहुत कम जाएगा। इसका मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको। आप लगातार इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको वन बाई वन करके हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने लास्ट डे में एक वीडियो डाली थी आपके कट ऑफ के ऊपर, जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट्स किए और बहुत सारे कमेंट्स किया कि सर हम लोगों का स्टेट वाइज कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का, वो बताएं प्लीज। तो दोस्तों, मैंने इन्हीं सभी चीजों को देखने की कोशिश की। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे को एक बात पकड़ में आई जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी दोस्तों, मैं आपके स्टेट वाइज कट ऑफ देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसी बातें प्रूफ में आई, साबित हुई कि जिससे लगता है कि आपका कट ऑफ 100% कम जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों, यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर या अभी प्रेजेंट में भी आपने आरपी या पेंसिलरी का यदि फॉर्म डाला होगा तो इसमें यह चीज प्रूफ हो चुकी है कि आपका कट ऑफ रिटर्न एग्जाम का कम जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, आपको मैं खुद सेटिस्फाई करूंगा और लास्ट में आप खुद बोलेंगे कि हाँ हमारा कट ऑफ कम जाएगा। और एक बात आप लोग भी जानते होंगे, यह आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ अलग रहेगा, आपका फाइनल कट ऑफ अलग रहेगा। तो आप लोग इस चीज से भ्रमित ना हो कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो रिटर्न कट ऑफ में हो सकता है, ऐसा नहीं है। रिटर्न का लेवल अलग रहेगा और आपके फाइनल कट ऑफ में कुछ अलग ही दिखाई देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में आपको बोल रखा है कि फाइनल जाएगा हाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हो क्या रहा है, अभी कोई बगैर सोचे समझे आप लोगों को कट ऑफ पे कट ऑफ दिए जा रहे हैं जो कि फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं रिटर्न के बक्के में। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न का कट ऑफ बता रहे हैं लेकिन वो फाइनल का बता रहे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। आपका रिटर्न का अलग रहेगा, आपका फाइनल कट ऑफ अलग रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम हर एक चीज को प्रूफ से देखें वन बाय वन करके, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर दें, दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो प्लीज रिक्वेस्ट है इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, इस चीज का प्रूफ देखने के लिए ले चलते हैं हम आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, आ गए हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर कहां पे ऑफिशियली मेंशन किया हुआ है कि आपका कट ऑफ इतना जाएगा। अब आप वो देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, ये तो है लिखित में प्रूफ। यदि आप जीते जागते प्रूफ देखना चाहते हैं तो दोस्तों, आपने यदि आरपीएफ एंसलरी का फॉर्म डाला होगा तो इसके हजारों कैंडिडेट गवाह हैं कि रिटर्न का कट ऑफ बिल्कुल लो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने एनालिसिस किया है, लगभग साल भर से ही रिटर्न एग्जाम और हर एक चीज मैंने कराई है यहाँ पर अपने चैनल पर आरपी या पेंसिलरी की। तो उन लोग प्रूफ दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हाँ रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ बिल्कुल लो जाता है। तो डेफिनेट, जैसे ही हम इस नोटिफिकेशन में स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर सेक्शन दिख रहा होगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं, जिस सारे चीज आपके हो चुके हैं इनको डिस्कस करने वाले हम नहीं है। हमको डिस्कस करना है क्या कि आखिर आपका कट ऑफ किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे आप नीचे आएंगे तो वहां पर आपको सेक्शन दिखेगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का। थोड़े ज्यादा आगे आ गए हैं यहाँ पे। जी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट फॉर 100 मार्क्स। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये तो पढ़ सकते हैं, मैं सेकेंड पैरा को रीड कर रहा हूँ। क्या है यहाँ पर लिखा है, द रिटर्न टेस्ट फॉर 100 मार्क्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 35 फॉर जनरल कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन एंड 33% फॉर SC ST OBC विल कंसिस्ट ऑफ ओनली OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड यूजिंग अ ब्लू और ब्लैक वेल पॉइंट पेन ओनली। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपका जो जनरल का कट ऑफ है वो 35 मार्क्स रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 35%। अब आप जब 100 का 35% निकालेंगे तो 35 ही आएगा।
जी दोस्तों आप लिख लीजिए, आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा। एंड यहाँ पर क्या बोला है, एससी एसटी और ओबीसी इन लोगों का रहेगा 33। अब दोस्तों आप जे बोल रहे होंगे कि ये तो ऑप्शन में है लेकिन इसके हाई भी तो जा सकता है, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन्होंने जो बोला है वही होता है। अब इस चीज का हम प्रूफ दिखाएंगे कैसे, वो देखेंगे आप लास्ट ईयर की कट ऑफ से, क्योंकि अभी का कट ऑफ तो आया नहीं है, आएगा तो आप लोग अभी कैसे देख सकते हैं। हमको जाना होगा इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ के ऊपर कि आखिरकार जो यह बोलते हैं वो होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 33, मतलब कि आप यदि 100 मार्क्स का आपने पेपर दिया है तो यदि आपके 33 मार्क्स आ रहे हैं तो आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपका जो फाइनल लिस्ट होगा वो अलग आएगा, फाइनल मेरिट अलग बनेगी। तो दोस्तों आप चलिए चलते हैं हम आपके लास्ट ईयर के कट ऑफ के ऊपर कि आखिर ये नोटिफिकेशन में जो बातें मेंशन करते हैं वो सच में होती हैं क्या नहीं। तो दोस्तों आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, हम आ गए हैं इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ के ऊपर जो कि मैंने पीडीएफ ओपन करके रखा है। दोस्तों मैं इन दोनों पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी ओपन कर करके हर एक चीज बड़े आराम से देख सकते हैं और आप खुद कहेंगे कि हाँ कट ऑफ कम ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भ्रम में ना रहें, चिंता ना करें, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी थी कट ऑफ के ऊपर तो मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि सर स्टेट वाइज क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जब जाके मैंने इसमें ज्यादा फोकस किया और ये चीज मेरे को पकड़ में आई। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीटी, मतलब कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यहाँ पर 2017 में यहाँ पर आयोजित हुआ था एग्जाम 2017 में, और रोल नंबर वाइज लिस्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पर स्कैन नंबर, रोल नंबर इस प्रकार से नाम कैंडिडेट का, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर ट्रेड दिया है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी है, यहाँ पर कैटेगरी जनरल एससी एसटी ओबीसी, और यहाँ पर थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मार्क्स दिए हैं कितने, 100 का आपका पेपर था और कितनी कितनी कैंडिडेट लेके आए हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने पढ़ा था जनरल वालों के लिए कितने नंबर लाना अनिवार्य है, 100 में से 35, मतलब कि 35%। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडिडेट आपको दिख रहा है जिसका नाम कुछ भी हो, आप यहाँ पे देख टेस्ट क्या है, और यहाँ पर इसकी कैटेगरी है जनरल, और दोस्तों आप देखेंगे इसने मार्क्स प्राप्त किए हैं कितने, 34 में से ये 34 मार्क्स लेके आया है, और चूंकि इसको चाहिए थे 35 क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर इसको क्या रिजल्ट मिला, डिसक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। और दोस्तों आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है एससी कैटेगरी से, जी हाँ दोस्तों, और इसके मार्क्स कितने आए हैं, 27, और एसटी एससी ओबीसी इन दोनों तीनों एससी से है दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी इन तीनों कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मार्क्स लाने होंगे कितने आपके, 33%। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर यह बंदा भी नॉट क्वालिफाइड हो गया। अब तीसरा भाई है अंबादास, दोस्तों इसकी कैटेगरी क्या है, एसटी, जैसे कि मैंने बताया है एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है, 33% लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिजल्ट कितना आया है, इनके मार्क्स आए थे 26, और यहाँ पर जी रिजल्ट है इनका नॉट क्वालिफाई। इसी प्रकार से ओबीसी वालों का देख लीजिए, ओबीसी से जो कैंडिडेट है इनके मार्क्स आए थे 24, इनका रिजल्ट आया है नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पर जनरल से है 24, नॉट क्वालिफाइड। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ताकि आप भी अच्छे विस्तार पूर्वक इन चीजों को जान सकें। दोस्तों आप यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट का देख सकते हैं जो कि नॉट क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, लेकिन वही जो 35 से नीचे हैं यदि जनरल से हैं, एंड 33 से नीचे हैं यदि इन तीनों कैटेगरी से हैं एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन। और दोस्तों जो बच्चे इनसे ऊपर लाए हैं मार्क्स उनका रिजल्ट अब आप देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़े और आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही इसी नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो यहाँ पर पास कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पास कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है ये है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप पास ही पास देख पा रहे होंगे, कहाँ पे, यहाँ पे जी। यहाँ पर कैंडिडेट के रोल नंबर दिए हैं, नेम कैंडिडेट्स दिया है, डेट दिया है इनका, कैटेगरी दी है एंड डेट ऑफ बर्थ दी है, रिजल्ट दिया है, डेट ऑफ मेडिकल एग्जाम 5/28। तो दोस्तों अब इनकी मेडिकल की डेट भी इनको मिल गई है कि इनका मेडिकल कब होगा। या फिर डी एफ एस ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मेडिकल बाद इन कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया हो, बट बिफोर मेडिकल रिटर्न एग्जाम यदि आप इतने मार्क्स लाते हैं तो डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं। यदि आप 35 और 33 मार्क्स या परसेंटेज लेके आते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इन चीजों से यही प्रूफ होता है दोस्तों, और अब आपके मन में भी इन चीजों की संतुष्टि हो गई होगी कि हाँ यह रियल बात है कि आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ है वो कुछ और रहेगा और आपका जो रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट दिखने वाला है आप लोगों को। और दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई थी लास्ट डे में वो आपका फाइनल कट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि आफ्टर मेडिकल। तो दोस्तों यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि आपकी यूआर का कट ऑफ जाएगा कितना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया आपका यूआर का कट ऑफ जाएगा 35 मार्क्स। जी हाँ फैंस, यदि ये सब बातें सत्य होती हैं तब, लेकिन वो होंगी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए हैं कि पहले नोटिफिकेशन दिया, देन उसके बाद रिजल्ट दिया, और रिजल्ट में वही हुआ जो उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था। एंड इसके बाद एससी हुआ आपका, एसटी हुआ आपका, ओबीसी हुआ आपका, और आपका एक्स सर्विस मैन हुआ, इन सभी का रहेगा दोस्तों 33। यह रियल बात है यदि ऐसा हो रहा है तब। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी का रहेगा आपका 33। और यदि आपको और भी संतुष्टि चाहिए कि ये ऐसा हुआ था कि नहीं, तो दोस्तों आप लोग अभी प्रेजेंट में जो आरपीएफ एंसलरी का रिजल्ट आया था एग्जाम का, किसका, रिटर्न एग्जाम का, इसके ऊपर मैंने कट ऑफ भी बनाया था। आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आप कट ऑफ देखेंगे तो किसी किसी बच्चे के मार्क्स 22 आए थे, किसी के 25 आए थे, किसी के 27 आए थे, किसी के 30 आए थे, किसी के 35 आए थे। दोस्तों इन सभी का सिलेक्शन हो गया था पीएसटी टेट टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अपोजिट प्रक्रिया थी। पहले यहाँ पर रिटर्न एग्जाम लिया गया, देन इसके बाद आपका पीएसटी पीएमटी हुआ, फिर टेट टेस्ट हुए, और लास्ट में मेडिकल होगा। आप लोगों का थोड़ा तरीका चेंज हुआ कि पहले आप लोगों का पीएसटी पीएमटी हो गया, टेट टेस्ट हो गया, देन इसके बाद आप लोगों का एग्जाम हुआ है। प्रक्रिया वही है, आगे पीछे हो गई है, लेकिन आपका जो रिटर्न का मार्क्स रहता है वो इतना ही रहता है इन एग्जाम में। तो दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन जो सभी चीजों के देखने के बाद मैंने दिया। यदि आपका ओपिनियन कुछ है, आप कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा या फिर ऐसा होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य देता हूँ। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।